घुसपैठ का जो मुद्दा है वो नजर आ रहा है और हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा तमाम जगहों पर खुद गए। बड़ी खबर, जहां कनाडा में खालिस्तानियों का आतंक लगातार जारी है, 4 से 5 दिन में बड़े बवाल की आशंका है। खालिस्तानियों के डर से हिंदू मंदिर का कार्यक्रम टला है, खालिस्तानियों के डर से त्रिवेणी मंदिर कैंप रद्द किया गया है, आस्था के केंद्रों में जाना मुश्किल हुआ है। कनाडा में खालिस्तानियों को लगातार जिस तरीके से कनाडा की सरकार शरण दे रही है, ऐसे में कनाडा में खालिस्तानियों के निशाने पर हिंदू हैं और हिंदू जो है वो डरे हुए हैं। और इस वजह से आपको बता दें कि कनाडा में हिंदू मंदिर में होने वाले एक कार्यक्रम खालिस्तानी धमकी के बाद रद्द कर दिया गया। ये कार्यक्रम भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित किया जाना था, ब्रैम्पटन त्रिवेणी कम्युनिटी सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हिंदुओं और सिखों को जीवन प्रमाण पत्र दिया जाना था। ये कार्यक्रम 17 नवंबर को होने वाला था, लेकिन उससे पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन की धमकियां मिलने लगी थी। ब्रैम्पटन त्रिवेणी कम्युनिटी सेंटर की तरफ से जारी बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया कि ब्रैम्पटन त्रिवेणी मंदिर में होने वाले लाइफ सर्टिफिकेट इवेंट को कैंसिल कर दिया गया है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली है कि यहां पर बहुत ही खतरनाक स्तर का हिंसक विरोध होने वाला है, इसके बाद ये फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि ग्रेटर टोरंटो एरिया में ये मंदिर स्थित था और यहाँ पर ये कार्यक्रम होना था, जहाँ 16 और 17 नवंबर को दिन में बड़े बवाल की आशंका थी। त्रिवेणी कम्युनिटी सेंटर ने पील पुलिस से गुहार लगाई है कि वो मंदिर को मिलने वाली धमकी पर एक्शन ले, साथ ही कनाडा में रहने वाले हिंदुओं और आम लोगों की रक्षा करें। हम उन सभी समुदाय के सदस्यों से माफ़ी मांगते हैं जो कार्यक्रम में आने वाले थे। हम बहुत दुखी हैं कि कनाडा के लोग अब यहाँ के हिंदू मंदिरों में आने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ब्रैम्पटन त्रिवेणी मंदिर और सामुदायिक केंद्र और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है, यहाँ पर पूजा कीर्तन सेवा प्रवचन वगैरह होते हैं।